नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक अपनी सेवाएं दे रहे आज अखबार के वरिष्ठ छायाकार हरीश चौहान का अचानक निधन होने से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। 38 वर्षीय होनहार युवा छायाकार हरीश चौहान काफी हसमुख और मिलनसार स्वभाव के थे। हरीश को पिछले कुछ वर्षों से शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे थे। बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां सोमवार की सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के बाद पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अपने कार्य में हमेशा ईमानदारी से लगे रहने वाले हरीश अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। हरीश 3 बच्चों के पिता थे। स्वर्गीय हरीश को उनकी 14 वर्षीय पुत्र कृष्णा चौहान ने मुखाग्नि दी। हरीश की असामयिक मौत के बाद जहां पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, हरीश की मौत पर जनपद के पत्रकार मरमाहत है। द प्रेस क्लब आजमगढ़ के अध्यक्ष और सचिव एस के सत्यन और रवि प्रकाश सिंह द्वारा दिवंगत छायाकार के घर जाकर परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की गई। उनकी शव यात्रा में प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, देवव्रत श्रीवास्तव, महामंत्री अम्बुज राय सहित जनपद के सभी पत्रकारगण उपस्थित रहे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।